कार मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा बड़ी खबर है वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। वो कैसे दिया है, क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अच्छी सफलता हासिल कर ली है और बहुजन समाज पार्टी के प्रति एक बड़ा बेस वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित होने वाला है। वो कैसे, सब कुछ बताएंगे, आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। इस वीडियो करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी पर आए दिन प्रतिदिन आरोप लगते आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है और बहुजन समाज पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है। पर इस वक्त सभी की जुबान पर लगाम लगा दिया बहुजन समाज पार्टी ने एक अच्छा काम करके। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खां के बेहद ही करीबी नेता इरशाद खां को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा लिया गया है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कल मंडल स्तरीय बैठक में इरशाद खां को बसपा की सदस्यता दिलाई और बसपा में शामिल कराया। और क्यों हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल इरशाद खान, उन्होंने इसका कारण भी बताया और समाजवादी पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा आरोप लगाया है। जब मीडिया बंधुओं से उनसे पूछा गया कि आखिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी में आए, तो उन्होंने जो बयान दिया वो आप खुद। नहीं, समाजवादी पार्टी में उन्होंने सम्मान नहीं दिया ना हमको ना हमारे समाज को। जब हमको लगा कि हमारा समाज और हम दोनों वहाँ अपमानित हो रहे हैं, तो फिर हमने अपने पुराने घर वापस आना ही बेहतर समझा। आपने सर अपने भाषण में कहा भी कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम समाज कभी भी इस तरीके से एकतरफा नहीं हुआ है, कैसे समझाएंगे जो समाज उनके साथ जुड़ चुका है? नहीं, समाज को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समाज ने स्वयं देख लिया कि जब आज़ादी के बाद से लेके अब तक के इतना वोट देने के बाद में 125 सीटें आई हैं अखिलेश जी की, वो भी 20 पार्टियों से गठबंधन के बाद, अकेले होते तो 100 के नीचे होते। तो मुस्लिम समाज की समझ में आ गया है कि हम गलत जगह पे वोट कर रहे हैं और सही जगह बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ जाएंगे तो हमको फायदा हो। सुनिए, तो आपने सुना इरशाद खान ने क्या कुछ कहा। इरशाद खान ने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समाज का सम्मान नहीं रहा है बहुजन समाज पार्टी में, हमारा खूब अपमान हुआ है समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के जो दोहरा रवैया उससे तंग आकर हम बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। तो आप समझ सकते हो समाजवादी पार्टी की धीरे धीरे पोल खुलती दिख रही है और समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुस्लिम नेताओं का किस तरीके से अपमान करती है, उसका जीता जागता सबूत आप इरशाद खां के बयान से समझ सकते हो। आकर किस तरीके से समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के तमाम छोटे बड़े नेताओं का सम्मान करती है, किस तरीके से अपमान करती है, आप इनके बयान से समझ सकते हो। इरशाद खान आजम खां के बेहद ही करीब नेता रहे हैं और पूर्व विधायक इरशाद खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन आजम खां के साथ संबंधों में कटास आने के बाद वे उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं रहा। और जैसे ही इरशाद खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, वैसे ही तमाम बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिम समाज व मुस्लिम नेता समझ चुके हैं उनका सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीएसपी में सुरक्षित है। और अखिलेश यादव को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका दिया है और इरशाद खान अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ हम आपको बीएसपी ने प्रेस नोट जारी करते हुए उसमें साफ साफ लिखा गया है कि लखनऊ प्रयागराज मिर्ज़ापुर मंडल शमसुद्दीन रायनी और तमाम उनके भीमराव अम्बेडकर विधान परिषद सदस्य एवं लखनऊ मंडल प्रभारी ने लखनऊ मंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में लखनऊ मंडल के प्रभारी तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरशाद खान चारों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें रियाज अहमद पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी नजमी उर्फी तमाम यानी कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता उच्च स्तर के पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में इरशाद खान के साथ शामिल हो गए, जो कि सभी के सभी मुस्लिम समाज से आने वाले थे।
तो आप समझ सकते हो 2024 की रणनीति बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाने में लगी हुई है, और बहुजन समाज पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनसे रुष्ट चल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से उनको बहुजन समाज पार्टी में, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता उनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा रहे हैं, और साथ में 2024 की रणनीति बहुजन समाज पार्टी बना चुकी है और धीरे धीरे ग्राउंड पर काम भी कर रही है। अब देखने हुआ कैसा क्या रिजल्ट मिलता है 2024 के आम चुनाव में, आपको क्या लगता है आप अपनी कमेंट में राय देना, इस खबर पर आप क्या सोचते हो कमेंट में राय देना। फिलहाल आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।